हेलो एवरीवन, दिस इज महिमा एंड वेलकम बैक टू देसी मार्टिनी। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट, विनीत कुमार सिंह। वेलकम टू देसी मार्टिनी। थैंक यू वेरी मच। तो आपकी वेब सीरीज आ रही है, एंथोलॉजी वेब सीरीज आ रही है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। कांग्रेचुलेशंस ऑन ऑल द लव दैट इट हैज ऑलरेडी रिसीव्ड एट फिल्म फेस्टिवल्स एंड दैट द ट्रेलर हैज रिसीव्ड। तो शुरू करते हैं, आप पहले बताइए हमें अपनी स्टोरी के बारे में कि आपकी कौन सी स्टोरी है इस एंथोलॉजी में और आपके कैरेक्टर के बारे में। महिमा, इसमें चार कहानियां हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में। उसमें जो मेरी कहानी है उसका नाम है शाहपुर, और उसमें जो मेरा किरदार है उसका नाम है गौतम, और मेरी को एक्ट्रेस हैं कनी, फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रशांत नायर, और डीओपी हैं अविनाश अरुण। बहुत ही बढ़िया बनी है, कुछ अलग है, और ये महिमा मुक्काबाज के बाद ये पहला कोई काम था जिसकी शूट के लिए मैं फ्लोर पे गया था मुक्काबाज की रिलीज के बाद। तो ये बहुत अलग है, जैसे मुक्काबाज में वो 10 लोगों से लड़ जाता है, भिड़ जाता है, पलट के जवाब देता है, वो स्प्रिंग के जैसा, आप जितना दबाओगे उतना जोर से जंप मारे। ये किरदार बिल्कुल अलग है, ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, आप इसे कितना भी दबाओगे ये उसके अंदर वो इकट्ठा हो जाता है, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता। तो ये कहानी जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी थी, बट एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए आफ्टर मुक्काबाज। लेकिन एंथोलॉजी है तो वो एक होती है ना हिम्मत आपको मिलती है कि चलो चार कहानियां हैं, आप एक ये प्रयोग कर सकते हो। आई टुक दैट कॉल और काफी इंटरेस्टिंग बनी है, मुझे लगता है लोग यहाँ भी पसंद करेंगे। बाहर तो इसे बहुत पसंद किया गया, ये ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल में थी, बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला, नॉमिनेशन था मेरा बेस्ट एक्टर के लिए वहां पे, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि लोग पसंद करेंगे, कुछ अलग तरह की कहानी है, तो अगर आप लोग एक बार देख लें तो ज्यादा खुल के हम लोग बात कर पाएंगे। I'm sure जितना प्यार ट्रेलर को मिला है उससे बहुत ज्यादा प्यार आपके सीरीज को मिलेगा। एंड जैसा कि आपने कहा कि ये आपके लिए एक्सपेरिमेंट टाइप्स था, बट आप फिर भी उसमें एकदम चैलेंज की तरह उसको लेके चले। बट आई एम श्योर कोई तो चीज होगी स्क्रिप्ट में, स्टोरी में या कैरेक्टर में जो एकदम आपको यू नो स्टैंड आउट करी होगी। आपने सोचा होगा कि हाँ ये तो करना बनता है, भले से ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन है। तो वो एक चीज क्या थी जिसने आपको स्क्रिप्ट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट किया? मुझे जो अच्छी चीज, मतलब मुझे जो समझ में आ रहा था कि क्यों किया जाए, ये था कि मैंने जो किया था मुक्काबाज में उससे बिल्कुल अपोजिट था। एज एन एक्टर कुछ बिल्कुल नया था, और कहानी पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अगर ये किरदार कुछ ना बोले, क्योंकि ये कहानी ऐसी है, तभी डायलॉग्स थे। मैंने प्रशांत से बात की जो डायरेक्टर हैं, कि प्रशांत ये मुझे फीलिंग आ रही है कि आवाज जो हमारी होती है वो हम जो महसूस करते हैं हम अपनी आवाज के माध्यम से उसे लोगों तक पहुंचाते हैं, कह पाते, लेकिन ये जो किरदार है ये जिन परिस्थितियों में जी रहा है ये किसी से कह ही नहीं सकता। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि ये बात ही ना करे? तो उसे एक मेटाफर के जैसा हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड वो जाता भी है, और वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही, ये मतलब मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर कोई थॉट स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आता है तो वो क्रेडिट स्क्रिप्ट हो जाती है, राइटर को जाता है। तो मैं ये चीज मैंने प्रशांत से शेयर की, तो काफी बातचीत के बाद फिर ये हुआ कि ठीक है विनीत, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग शूट करेंगे और जो हम कहना चाहते हैं बिना डायलॉग के वो चीज कन्वे कैसी होगी? तो ये हुआ कि भाई अगर नहीं कन्वे होती है तो डायलॉग है, बोल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो प्रशांत ने अलाउ किया और प्रशांत ने बोला ठीक है करते हैं, अगर नहीं हो पाया तो फिर हम लोग डायलॉग यूज कर लेंगे, कि ठीक है। फिर वो डे बाय डे, शॉट नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे, वो धीरे धीरे वो शेप लेने लगी, एंड वो चीजें जो कहना चाहते थे निकल के आती थी। वो अगेन थैंक्स टू माय डायरेक्टर एंड डीओपी एंड माय को एक्टर कनी, के कुछ नया हो रहा था और एक बिलीफ के साथ हो रहा था, तो बहुत ही अच्छे से चीज बनी है।
मुझे लगता है वो पसंद करेंगे लोग। जब तक वो सिचुएशन नहीं बदलती उसकी लाइफ में तब तक वो चुप ही है, और ऐसा नहीं है कि वो गूंगा है, बट उसने बात करना गिव अप कर दिया है कि जब कोई सुनने ही वाला नहीं है तो किसे कहें, मेरी लाइफ में कोई सूरज निकलने ही वाला नहीं है तो क्या ही किया जाए। तो कुछ है, कुछ मजेदार था, तो आई थॉट ये बिल्कुल अलग है। मुक्काबाज में तो मार देता है, बोल भी देता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन यहाँ पे एकदम उल्टा है। तो लेट्स डू इट, दिस वाज द बिगेस्ट रीजन। वंडरफुल। ओके, सो जो वर्ड्स है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो आपकी सीरीज का नाम है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने की ईव पे उन्होंने ये वर्ड्स बोले थे अपने स्पीच में। व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन टू यू पर्सनली, नॉट टू योर कैरेक्टर गौतम, बट टू यू एज विनीत? हाँ सी महिमा, कोई मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहता, मैं अभी सिर्फ यही बोलूँगा, मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि देश हमारा बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम सब लोगों को कलेक्टिवली, जहाँ आप हैं, आप जो एफर्ट कर सकते हैं उतना हाथ बढ़ाइए, और किसी की जिंदगी बदलती है तो बदल लीजिए। मैं यही बोलूंगा, बिकॉज आसान तो नहीं है, क्योंकि 130 करोड़ लोग हैं हमारे देश, अगर एक एक सिक्का भी सबको देना है तो एक बहुत बड़ा काम है, यू नो। तो कोई भी चीज करना अपने आप में एक टफ टास्क है। तो मुझे लगता है कि अगर एक ये भावना हो हर किसी में कि अपने आसपास जो छोटी छोटी चीजें हैं उससे जो आप बदलाव कर सकते हैं, तो एक बड़ा फर्क पड़ जाता है। जैसे सड़कों पे होता है ना कि कहीं कोई चीज गिरी रहती है, सपोज कोई पत्थर गिरा हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पत्थर गिरा हुआ आपने देख लिया, लेकिन हो सकता है कि कोई शाम को जब आएगा और लाइट नहीं होगी तो वो इस पत्थर से टकरा के गिरे। तो बस अगर इतनी सी जिम्मेदारी हम महसूस करें कि ये पत्थर हटाते चलते हैं, अगर आप पैदल जा रहे हो हटाते चलो, है ना, और इसे आप सिंबॉलिकली अपनी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे जो पत्थर हैं अगर हटा सकते हो तो हटा दो, कोई गिरने से बच जाएगा। तो 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ पत्थर हटा सकता है, यू नो। तो ये अगर ये फीलिंग जनरेट हो जाए लोगों में कि थोड़ा अपने, क्योंकि हम सब जुड़े हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं इस बात को समझता हूं और इसमें विश्वास रखता हूं महिमा, के हम इतना इंडिविजुअल हो गए ना कि हमें लगने लगा है कि वो हमसे अलग है। अलग अलग नहीं है, आप जिस हवा में सांस ले रहे हो, आप, मैं जहां हूं अभी, आप जहां हो, ये इसी एटमॉस्फेयर की हवा में सांस ले रहे हैं। तो जो मैंने सांस ली है और छोड़ा है उसी को लोग ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। वी आर कनेक्टेड, बस वो विजिबल नहीं है। आप फिजिकल फॉर्म में आप देखते हो तो कनेक्शन समझ नहीं आता, अदरवाइज वी आर कनेक्टेड। हम जो फूड डेली खाते हैं इसी अर्थ से आता है, अर्थ तो वही है, समहाउ वी आर कनेक्टेड। पानी वही है, समहाउ वी आर कनेक्टेड। तो हम तो ये बहुत प्राइमरी लेवल पे वी आर कनेक्टेड, आप अगर डीपर लेवल पे जाएंगे तो वी आर सो कनेक्टेड टू ईच अदर। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं मानता हूँ अगर मेरे सामने कोई भी चीज, सपोज ये रिमोट पड़ा है, तो ये रिमोट को अगर मैं तोड़ दूँ, तोड़ने से मेरा मतलब पटक के तोड़ना नहीं है, ब्रेक करने से है, तो एटम्स बनेंगे। सेम स्ट्रक्चर आपका है, मेरा है, आपके आसपास जो सामान है उनका है, तो वी आर कनेक्टेड समहाउ। बट हम इतना इंडिविजुअल फॉर्म में सोचने लग गए हैं कि वो कहीं ना कहीं कठिन बना देता है कई लोगों की लाइफ को। तो इसलिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप किसी पावरफुल पोजीशन में हैं तो आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के लीजिए। दैट्स वेरी ब्यूटीफुली पुट, थैंक यू। तो अब आपकी जो सीरीज है इसमें चार कहानियां हैं और बहुत सारे किरदार हैं, तो मुझे आपसे पूछना है पर्सनली, आपके अलावा आपको कौन सा ऐसा किरदार बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगा, जो मतलब अगर आप अपना किरदार नहीं प्ले कर रहे होते तो आप कौन सा और रोल प्ले करना चाहेंगे चारों कहानी? महिमा ऑनेस्टली मैंने कोई कहानी नहीं पढ़ी अपनी कहानी के लिए। ओह
आई डोंट थिंक दैट वे, कंपटीशन जैसे सोचता नहीं मेरी लाइफ में, आई डोंट थिंक दैट वे कि ये कहानी अच्छी है तो ये कर लूँ वो, मैंने पढ़ी नहीं, तीन कहानियां पढ़ी नहीं, मेरे पास स्क्रिप्ट है कहीं पढ़ी होगी बट देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा मैं सेट पे इस सी डायरेक्टर ने मुझे उस रोल में देखा, मनीष जी से बात हुई तो मनीष जी ने उस रोल के लिए मुझे पूछा और उस रोल पे ही हमारी बातचीत हुई, तो मैं ऐसे नहीं सोचता कि अच्छा वो क्या कर रहा है, उसका बहुत अच्छा है क्या, ऐसे सोचता नहीं, ऐसे ख्याल नहीं आते, अभी तक तो नहीं आते। ओके तो आपने अभी बताया कि ये वो सीरीज है जिसकी शूटिंग आपने तब स्टार्ट की जब मुक्काबाज रिलीज हुई थी, तो जब मुक्काबाज रिलीज हुई थी हम सब ने आपको देखा लीड स्टार की तरह एंड वी वर ब्लोन अवे बाय योर परफॉर्मेंस, इतनी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी थी आपने, काफी फैंस थे जो चाहते थे कि आप और भी लीड रोल्स करें अपने प्रोजेक्ट्स में। मुझे पूछना है एज एन एक्टर हाउ मच डू दीज लेबल्स एंड लाइमलाइट मैटर टू यू, लीड स्टार सपोर्टिंग एक्टर एंड ऑल ऑफ दिस, हाउ मच डज इट मैटर टू यू, या आप सिर्फ स्क्रिप्ट देखते हैं, मतलब अपना स्क्रीन टाइम नहीं सिर्फ स्क्रिप्ट और अपना कैरेक्टर देखते हैं? बहुत मायने रखता है, और अगर ऐसा ना होता तो मैं मुक्काबाज लिखने की शुरुआत ही ना करता, क्योंकि मैं शहर में आया था हीरो बनने के लिए और मुझे लीड रोल्स करने थे, कहानियों का जो मुख्य किरदार होता है वो बनना था, तो उसके लिए आया था, और लंबे समय तक वो कोशिश करने के बाद जब वो चीज़ नहीं होती दिख रही थी तब मैंने मुक्काबाज लिखने का डिसीजन लिया था कि अगर कोई मुझे नहीं दे रहा है, कोई अगर मेरे लिए नहीं सोच रहा है तो ठीक है, वो उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी जो भी एंड ऑफ द डे बाजार है, तो बाजार की अपनी जो भी प्राथमिकताएं हैं, अगर वो उसकी वजह से नहीं सोच रहे हैं तो इट्स ओके, मैं तो सोच सकता हूँ, तो मैंने खुद के लिए सोचा और लिखना शुरू किया और मेरी सिस्टर के साथ लिखा और बाद में अनुराग सर आए और अच्छी हुई स्क्रिप्ट और लोगों ने उसको पसंद किया और वो पहचान मिली, उसके बाद चीज़ें काफ़ी बदली और लेकिन जिस तरीके से मैं सोच रहा था बदलाव वैसा नहीं था। महिमा चीज़ें बदली, एक तो बड़ा हिट था मतलब जो एक बैक होता है वो था कोविड का जो सबको लगा, मेरे लिए ये था कि करियर जस्ट शुरू हुआ था और 1.5 ईयर का मौका मिला मुझे शूट करने का, उसके बाद तो फिर लॉकडाउन एंड ऑल, तो सभी जूझ रहे हैं, लेकिन हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से देखता है कि मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट आया कैसा है, तो उसके अलावा भी जो वक्त था 2018 और 19 में, तो कोई इस तरीके की चीज मेरे पास आई नहीं और जो आती थी वो मुझे पसंद नहीं आती थी समहाउ, कि जो भी प्रोड्यूसर हैं या जो कहानी है, कि प्रोड्यूसर बहुत मायने रखते हैं कि आप अगर काम करते हैं और वो काम लोगों तक ठीक से ना पहुंचे तो कोई मतलब नहीं है उसका, तो वो एक फेज था और उसमें मैं कोशिश अपनी तरफ से कर रहा था कि मुक्काबाज की कैपेसिटी, मैं मुक्काबाज जैसी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जैसा करना होता तो मैं शायद ट्विस्ट विद डेस्टिनी को ना चुनता, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, अलग अलग काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुक्काबाज वाली कैपेसिटी में करना चाहता हूँ, बट आई कांट प्रोड्यूस द फिल्म, तो मेरे पास जो चीज आएगी मुझे उसमें ही देखना है, तो महिमा आई वॉज लुकिंग फॉर गुड स्क्रिप्ट, गुड प्रोड्यूसर्स, गुड डायरेक्टर्स, तो आई एम स्टिल वेटिंग कि कुछ अगर अच्छा आएगा तो बेशक करूंगा, बिल्कुल करूंगा, अगर दर्शकों ने इतना प्यार दिया है तो मुझे भी बहुत भूख है कि मैं अच्छा काम करूं और लोगों तक लेके आऊं, और मैं जब जब मौका मिलेगा मैं करूंगा, और नहीं तो फिर से लिखा जाएगा। आपकी एक और कहानी है, सॉरी सॉरी, तो जो बेहतर है, कुछ चीजें मिली, अब जैसे मुझे रेड चिलीज ने मौका दिया, बेताल वो था, और दृश्यम की एक फिल्म का मुझे अभी भी इंतजार है, आधार का, जो एज अ प्रोटागनिस्ट है और अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे कलाकार है फिल्म में,
उम्मीद करता हूँ कि रिलीज हो, लोग देखें उस काम को, वो भी काम बिल्कुल अलग है। तो लेकिन हाँ, कि वो चीज़ लोगों तक आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं इसीलिए। एक एक्टर, एक्टर का सब कुछ तब बदलता है जब वो काम लोगों तक पहुंचता है। तो इंतज़ार है अच्छे स्क्रिप्ट्स का, अच्छे काम का, और जो फिल्में बन गई हैं उनके रिलीज का। मेरा एक्चुअली अगला क्वेश्चन भी यही था कि आपकी जो फिल्म है आधार, वो कब आएगी, क्योंकि उसका भी हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। मैं अपने प्रोड्यूसर से पूछता हूँ कि कब आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो थिएटर्स भी खुलने लग गए हैं तो सब वेट कर रहे हैं ईगरली कि अच्छी अच्छी बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से वो फिल्म की है, और उसका इंतजार कर रहा हूँ। और एक एक्टर के लिए बहुत मायने रखती है फिल्म। तो अभी हमने बात की आपके फ्यूचर की और लोग वेट कर रहे हैं आपको फिर से बड़े पर्दे पे देखने के लिए, तो फ्यूचर की तो बात हो गई, बट आई रियली वांट टू नो आप क्या सोचते हैं आपने अपनी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की अभी तक की जर्नी के बारे में, क्योंकि आपने बताया है कि आपने मतलब बहुत छोटे छोटे रोल्स, एक्टर्स के मतलब एक्टर के डुप्लीकेट्स के रोल्स और डेड बॉडी के रोल्स तक निभाए हैं, एंड यू हैव कम सच अ लॉन्ग वे कि मतलब आई मीन इन एवरी वे यू आर अ स्टार टूडे। आप इतने टैलेंटेड है, वर्सेटाइल है, और ये बात ऑडियंस को पता है, और किसी को पता होना हो ऑडियंस को पता है आपका नाम, मतलब आप ऐसा पहुंच गए ऐसे मुकाम पे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर जर्नी सो फार? या महिमा, ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैंने अभी जस्ट करियर शुरू किया, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि करियर मेरा मुक्काबाज के बाद शुरू हुआ। जो मैं करना चाहता था उसके पहले की सारी चीजें मेरे लिए एक्सपीरियंस के जैसी है। और एक्टर की लाइब्रेरी ये पूरा समाज होता है। तो उस बीच जो भी एक लंबा वक्त था, उसमें बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट हुआ हूँ, उनको सुना है, उनको समझा है, उनको महसूस किया है। और उसे एज एन एक्टर कहीं ना कहीं हम लोग अपने अनुभव से उसको किरदार में ले आते हैं। तो यही मेरा काम है। तो मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि मेरी जर्नी शुरू हुई है 2018 से, जिसमें 1.5 ईयर कोविड ने ले लिया है हर किसी का। तो 1.5 साल खेलने का मौका मिला है, अभी तो शुरू किया है, इट्स जस्ट द बिगनिंग। और उसके हिसाब से ही मैं सोच रहा हूँ आगे कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे काम करने हैं। और समहाउ अच्छा भी रहा, बिकॉज हम लोग करके ही सीखते हैं। बताने वाले, मतलब आप खुद से ही आपको सीखना है, कोई ऐसा बताने जैसा तो है नहीं, बताने वाला कोई है नहीं कि आपको कदम कदम पे कोई गाइड करे। तो उसमें कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो बाद में रियलाइज होती हैं कि ये शायद नहीं करना चाहिए था, और यही लाइफ है, यही जर्नी है। तो इस फेज में कुछ चीजों ने मुझे सिखाया भी है, जो आगे मैं ध्यान रखूंगा कि कैसे जाना है, अच्छा काम कैसे किया जाए, क्या किया जाए। और बस मुझे काम करने में मजा आता है, बाकी चीजों में मेरे को उतना काम, अच्छा काम। वंडरफुल। अच्छा तो विनीत, रिसेंटली आपके गैंग्स ऑफ वासेपुर को स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने बोला कि वो ओटीटी क्विट कर रहे हैं, जहां ओटीटी हैज सीन अ बूम इन द लास्ट 1-1.5 ईयर्स, बिकॉज थिएटर्स बंद थे और हम सबके पास एक ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। क्या आप उनकी ओपिनियन के साथ अग्री करते हैं कि अब सारे अननेसेसरी शोज ही आते हैं? ज्यादातर शोज की जो क्वालिटी है, इन टर्म्स ऑफ के जो एक शो को लोग पसंद करते हैं और नहीं करते हैं पसंद, इस पैरामीटर पे मैं बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन क्वालिटी की बात नहीं कर रहा। ज्यादातर शोज जो है लोगों को अपील नहीं कर रहे, और मैं खुद भी ये मानता हूँ कि हमारी क्वालिटी जो है अप टू द मार्क नहीं है। एक बहुत बड़ा मौका है ओटीटी, बहुत बड़ा मौका है इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कहानियों को कहने का। ऐसा मौका हमेशा नहीं रहता, जब से ओटीटी आया उसके पहले ऐसा मौका नहीं था। आज हम लोग साउथ कोरिया का कोई शो देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं, स्पेनिश लैंग्वेज की का शो देख जाते हैं, और इंग्लिश में तो लोग देख ही रहे हैं, सभी देख रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसी भाषाएं जिनका अ ब स हमको नहीं पता,
और हम पूरे का पूरा 10 एपिसोड, दो दो सीजन, तीन तीन सीजन, पांच पांच सीजन देख लेते हैं, वेट करते हैं अगले सीजन का, वो क्वालिटी हमारे यहाँ मिसिंग है। तो मैं यही बोलूंगा कि बहुत सुधार की जरूरत है, और ये यस समहाउ डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। बट लेकिन हाँ, मैं ओटीटी में काम करना चाहूंगा, जी मैं तो करूंगा, बेशक बेशक करूंगा, क्योंकि सी आपको, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको उसमें उतरना पड़ता है। मैं दूसरों को बोल के, यू नो, हम कोशिश करते हैं, बिकॉज सी इट्स अ कलेक्टिव थिंग, एक आदमी से नहीं होता, हम लोगों का काम कलेक्टिव है, हम सब मिलके करते हैं। तो मैं एज एन एक्टर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, यू नो, तो जरूरी नहीं है कि मैंने जो सोचा, चूज किया, पिक किया, वो वर्क ही कर जाए। कई बार हमें लगता है वर्क करेगा, बट दे आर अदर थिंग्स, बिल्कुल वो भी इक्वली कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी पे असर डालती है। तो बहुत सारी चीजें मिला के कुछ अच्छा या बुरा बनता। मेरी कोशिश पहले भी थी, अभी भी रहेगी, आगे भी रहेगी, कि कुछ अच्छा करूं, और कुछ मेरे पास अच्छा आएगा तो करूंगा। और मैं तो झोंक देता हूँ खुद को, सभी मेहनत करते हैं, सभी करते हैं, मैं अपनी तरफ से भी अपनी मेहनत मैं भी करता हूँ, तो ये फुल स्टॉप तो बिल्कुल नहीं मेरी तरफ से। मैं काम करूंगा, अच्छा काम करूं, ये प्रयास रहेगा। ओके सो बिफोर आई टेक योर लीव, मेरे पास बस एक और सवाल है आपके लिए. आपकी अगली फिल्म आ रही है दिल है ग्रे विद उर्वशी रौतेला जी, इज देयर एनीथिंग जो आप हमें उसके बारे में बता सके? हाँ, ये एक तमिल फिल्म है, तिरुतु पयाले 2, उसका रीमेक है, ओ और वहाँ की ये बड़ी हिट है। तो हम लोगों ने शूट कर लिया था, लेकिन नाम फाइनल नहीं किया था। प्लान यही था कि जब स्टेप बाय स्टेप में कंप्लीट करने के बाद, स्टेप बाय स्टेप में पहले नाम, देन नेक्स्ट थिंग, देन नेक्स्ट थिंग, देन नेक्स्ट थिंग, देन रिलीज, तो वैसा उन लोगों ने डिजाइन किया था। तो अभी नाम आया है, और काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, तो लोगों ने काफी पसंद की है। और इतना बताना चाहूंगा कि ज्यादा तो नहीं कह सकता, बट महिमा ये है कि आज जैसे ये इंटरव्यू हो रहा है, तो ये इंटरव्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। अदरवाइज जो हमारा पारंपरिक तरीका था, 1-to-1 हम मिलते थे और जी इंटरव्यू हुआ करता था, वो चीजें बदली हैं। तो हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पे बहुत डिपेंड कर गए, और ये टेक्नोलॉजी अगर सही तरीके से यूज की जाए तो बहुत बदलाव लाती है, लेकिन अगर इसको गलत चीजों के लिए यूज किया जाए तो उतना ही डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट आता है। तो ये फिल्म समहाउ के जो स्ट्रेंजर्स, ऐसे स्ट्रेंजर्स जो बहुत ही शॉकिंग उनका रिविलेशन होता है बाद में, जो हम टकरा जाते हैं, आप कहीं किसी से मिल जाते हैं, सपोज आप नेट पे किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे किसी से आपकी बातचीत हुई, और सामने वाले का इंटेंशन कुछ गड़बड़ है, और बाद में आपको पता चलता है आप फंस चुके हो, तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा, तो ये कहानी कहीं ना कहीं वहां से निकलती है। तो मुझे लगता है आज के टाइम में काफी मायने रखती है, और देयर आर सो मेनी लेयर्स इन दैट, मुझे लगता है लोग रिलेट करेंगे। सुपर एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. सो थैंक यू सो मच विनीत फॉर ऑल योर टाइम. मुझे बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा मोस्ट वेलकम, लगा. सेम हियर, सेम एंड ऑल द हियर, वेरी बेस्ट फॉर योर वेब सीरीज एंड योर अपकमिंग मूवी. हम बहुत एक्साइटेड हैं आपको फिर से देखने के लिए स्क्रीन पे. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. थैंक यू महिमा, थैंक थैंक यू, यू वेरी मच, बाय बाय, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दिवाली. थैंक यू. बाय।